जल्दी जल्दी तो इलाके मेरा नाम खादिम हुसैन जट। हाँ जी बताएंगे खादिम साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे आ रही है? देखो जी, हमें यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो इस वक्त जो है गवर्नमेंट तो ये कह रही है जी कि घर घर पानी देंगे, लेकिन हम लोग जो है इस वक्त भी जनाब वो बैकवर्ड तरीका से चलते हैं, पुराने ज़माने के लिहाज से चलते हैं। यहाँ रोड बनी है हमारी, लेकिन हमें यहाँ लिफ्ट का पानी आता है। ये जो ग्रेफी लाइन है उसमें लोगों ने सीखें लगाई हैं, ये पता नहीं महकमा की मेल मिली भगत से लगी हैं, कैसे लगे हैं हमें ये पता नहीं। लेकिन जिन लोगों के पास सोर्स हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों का तल्लक है एक दूसरे से, उन्होंने सीखें लगाई हैं। जो गरीब लोग हैं वो पानी के लिए मर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। और कल से यहाँ जनाब ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इस वक्त तक कोई महकमा का आदमी यहाँ हमारे पास नहीं आया कि जब दुआ करके कि भाई आप हमारा ये सुनवाई करें। तो आप क्या कहेंगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हर घर में जो पानी का नल लगाया जाएगा, रोड भी यहाँ पे है, तो आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट से और ज़िला इंतजामिया से? नहीं, गवर्नमेंट तो काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के करिंदे जो है वो नहीं कर रहे हैं। आगे नलके हर घर में लगे हैं, लेकिन पानी नलकों क्या करना है, किसी नलके क्या करेंगे? पानी नहीं आ रहा है, पानी जो लोग चोरी करके ले जाते हैं उस पर कोई निगरानी नहीं है। महकमा डिपार्टमेंट कोई निगरानी नहीं है। हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हम देख रहे हैं जी, हम चल रहे हैं जी, हमारे पानी चल रहे हैं। कभी बहाना करते हैं हमारी मोटर चल गई, कभी कहते हैं हमारा टैंक जो है वो बैठ गया जी, पंप बैठ गया है, कभी कुछ करते हैं। आज 3 महीने से हमें पानी नहीं मिल रहा, और ये लोग मजबूर। हमारे यहाँ चश्मा नहीं है, हमारे चश्मे में बहुत दूर दराज है, हमारे पास कोई चश्मा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ इसी पानी पर हमारा गुजारा है, हमारे हमारा भी और हमारे माल मुझे का भी। सुपरवाइजर बशीर हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शुक्रिया। यहाँ पे आ रही है काफ़ी लोगों के प्रोटेस्ट, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? पानी की प्रॉब्लम यहाँ से है ही बहुत जी। एक तो पानी आता ही नहीं है, लिफ्ट जल जाती है, ये 2 महीने जली रहती है, फिर लाते हैं, 3-4 दिन चलती है, फिर जल जाती है। और जो 3-4 दिन चलती भी है वो सप्लाई बराबर मिलती नहीं है लोगों को, कुछ लोगों को पानी मिलता है, कुछ लोगों को मिलता ही नहीं है, और फिर जल जाती है 3-4 महीने। और ऐसे ही लोग गुजारा करते हैं, दूर दूर से पानी,
वो आगे पानी है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे जाते हैं बेचारे, वहाँ से पानी लाते हैं बतने के लिए भी और कपड़े शपड़े उधर ही जाके देते हैं। तो आप क्या कहेंगे अलाकाम से कि भाई यहाँ रोड भी बनी हुई है महकमा की तरफ से, PMGSY की रोड भी बनी, लेकिन क्या वजह है कि आप लोग पानी से क्यों महरूम हैं? सर वजह सबसे बड़ी ये है कि यहाँ जो महकमा है ना बराबर काम नहीं कर रहा है, PHC महकमा बराबर काम ध्यान नहीं दे रहा है काम पे, जैसे जिसको मर्जी आती है वो पानी खोल लेता है, जहाँ से मर्जी आती है पाइप को काट लेता है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है महकमा। तो बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे? प्रॉब्लम तो हमारे हाल ही नहीं हो रही 6 महीने जी, 6 महीने से बता रहे इसको ये सुपरवाइजर हमारा जी, तो बोलता आज देंगे कल देंगे परसों देंगे, ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। परसों पानी चढ़ा तो जो ये लिफ्ट में से सीख मारी है वो पानी सब इधर ही निकल गया पूरा, ऊपर तो टैंक में बिल्कुल गया नहीं। अभी आप जाएंगे देख भी लेना टैंक में, तो हम पानी का बोलते हैं तो वो उल्टा सीधा बोलती है आगे से, ठीक है जी। तो हमारा तो कोई साधन है नहीं, मोदी साहब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वो तो इधर कुछ नहीं है, रोड है, पानी की कोई हाल नहीं है, बहुत बुरा हाल है। तो आप लोग किस तरह गुजारा पानी के बिना करते हैं? मुश्किल से करते हैं जी, मुश्किल से करते हैं, मुंह धोने के लिए भी पानी नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी बाटल में पानी डालने के लिए नहीं होता, तो क्या करेंगे हम। इधर जो अच्छे अच्छे अमीर खानदान से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों के घर में पानी अभी भी है, टैंक में स्टोर है, लेकिन जो गरीब लोग हैं गरीबों के पास कुछ भी नहीं है वैसे के वैसे ही अभी। तो मोदी साहब तो करते हैं लेकिन इधर तो ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा, सब जीरो है। तो ये जो PHC वाले हैं ये तो इनकी तो बहुत बड़ी दादागिरी है ना, वो इंसान को इंसान समझते ही नहीं। देखो सुबह से फ़ोन कर रहे सुपरवाइजर हमारा बशीर, सुबह से उसको फ़ोन कर रहे अभी तक इधर नहीं आया। परसों मैंने फ़ोन किया मल्ला पोठी में क्या किया, बोलता क्या करूँ मैं पोठी वालों को, है जी। तो हमारा कौन है फिर, कौन सुनाई करेगा इधर, हमारा कोई सरपंच नहीं खड़पेंच नहीं मेंबर नहीं कुछ नहीं कहानी, ये गरीब आवाम मर रही है इधर, देखो आपके सामने आ जाओ। तो पानी का ये हाल है, ये देखो पत्थर पड़े हुए, कहाँ जाएंगे, इधर तो कोई चश्मा भी नहीं नज़दीक है। वो टैंकर वाले को बोलते हैं 2200 रुपया मांगता है वो, कल बशीर को हमने बोला अगर जो तुमने 2200 रुपया हमसे लिया है वो 2200 वापस देते हम टैंकर वाले को देंगे, 1 महीने तो सोखा निकले। किस चीज़ का उसने 2200 वो बोलता, कोई महकमे वाले